भारत जोड़ो यात्रा में भले अखिलेश नहीं आ रहे, लेकिन अंदर खाने सारा मामला सेट है। नीतीश भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान चुके हैं, मतलब बड़ा दलित वोट बैंक भी विपक्षी एकता के साथ है। अब यूपी के कई जिलों में आ रही राहुल की यात्रा, भारत जोड़ो के यूपीआ में आते ही उलट जाएंगे सारे समीकरण। एक बड़ा वोट बैंक भाजपा से छिटक कर विपक्षी एकता के पास जाने वाला है। अखिलेश राहुल माया जयंत में सेटिंग, सब अपना अपना वोट बैंक जोड़ रहे, अंत में सब एक होकर भाजपा को खदेड़ेंगे। 24 में इस बार सामान्य, ओबीसी, मुस्लिम, दलित सब के सब विपक्षी एकता की तरफ देख रहे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी रुकी हुई है, लेकिन 3 जनवरी 2023 को यह यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होते हुए वेस्ट यूपी में एंट्री और 3 दिन बाद हरियाणा पहुंचेगी। इस बीच ये खबर उड़ाई जा रही कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की ओर से भी इसमें शामिल नहीं होने के संकेत मिले हैं, लेकिन इन दिग्गजों की यात्रा में शामिल न होने का खेल काफी दिलचस्प है, जिसे समझ तो रहे हैं भाजपाई भी और उनकी नींद भी उड़ी हुई है। क्या वजह है हम आपको समझाते हैं। वैसे तो इस बात को लेकर सभी के तर्क अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यूपी में जिस रूट से यात्रा गुजरेगी उसके पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। अधिकांश लोग इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग इसे कांग्रेस की ओर से अपना आधार मजबूत करने की कवायद भी मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका नुकसान किसको होगा, कांग्रेस किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी। लोग भले ही अलग अलग तर्क दें, लेकिन इसके मायने साफ हैं। अगर लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो इस क्षेत्र से भले ही कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं जीत सका, लेकिन कांग्रेस को 14% मुस्लिम मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। CSDS एक एजेंसी है जो यूपी के जातिगत सियासी समीकरण का सर्वे करती रहती है। उसके सर्वे के मुताबिक सपा बसपा गठबंधन को 73% वोट मिला था। कभी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस को इस जाति का मात्र 6% ही वोट मिला। इसी तरह सपा बसपा रालोद गठबंधन जाटों का 7% वोट बटोर सका, जबकि कांग्रेस अकेले 2% ले गई। यानी भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी शामिल होते हैं तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलना तय है। अपने पारंपरिक चुनाव क्षेत्र रायबरेली और अमेठी की बजाय राहुल गांधी लोनी, कैराना, कांधला, शामली, बागपत जैसे इलाकों से यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यूपी के वो क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। कैराना में 80 तो कांधला में 70% आबादी खास समुदाय के मतदाताओं की है। ये वेस्ट यूपी के जाटों का भी प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सपा ने मुस्लिम, यादव और जाट वोट बैंक का खेल खेला था। बसपा ने मुस्लिम, जाट और दलित का कार्ड खेला था। फिर केंद्र की सरकार बनाने में यूपी की अहमियत कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में 120 में से 70 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे। इनमें सपा के 43, बीएसपी के 13, कांग्रेस के 5 और शेष के खाते में गई थी। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मार्ग का सीधा संबंध वोट से ही है। पश्चिम यूपी में करीब 17% जाट है, 120 सीटों पर उनका असर है। 45-50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। 2017 में 13 जाट विधायक चुने गए थे और 12 जाट विधायक बीजेपी के थे। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी 32% और दलित मतदाता 26% हैं। करीब वेस्ट यूपी की 120 में से 35% सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मुस्लिम और जाट बाहुल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को विपक्ष का साथ मिलने से कांग्रेस का प्रभाव बढ़ सकता है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आंकड़े देखो तो 2019 का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए सबसे खराब रहा। अमेठी से राहुल गांधी तक हार गए और सिर्फ रायबरेली सीट सोनिया गांधी जीत सकी। इस अप्रत्याशित गिरावट के बावजूद अगर कांग्रेस को इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट किसी ने दिए तो मुस्लिम वर्ग ही था। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद लोनी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बागपत, शामली होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। यूपी में 3 दिन और 130 किलोमीटर दूरी तय करेगी। सबको पता है कि यूपी से सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा गांधी परिवार की राजनीतिक भूमि भी उत्तर प्रदेश ही है। और अब तो बीते रोज बिहार से भी नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को पीएम फेस मान लिया है और यूपी आकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के संकेत दिए हैं। दलित वोटर से एकजुट करने के लिहाज से कांग्रेस के लिए यह भी अच्छा संकेत है। तो जाहिर है यूपी में अगर राहुल भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए तो एक बड़ा वोट बैंक भाजपा से छिटक कर विपक्षी एकता के पाले में जाना तय है। अब राहुल उस वोट को खींचेंगे तो अखिलेश, माया जयंत जैसे स्थानीय दिग्गज नेता अपना खास वोट बैंक एकजुट करेंगे। आखिर में सब एक होकर लोकसभा चुनाव में भाजपाइयों को खदेड़ेंगे। खैर, यूपी में बनते इस बेहद दिलचस्प समीकरण को लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं, अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सियासी खबरों के सबसे सटीक, बेबाक और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ लॉन्चर के साथ।